गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज होने वाला है हमारी हिमालयन की एसेसरीज का डे, और ये देखो हमारे पास क्या आया है सुबह सुबह ही। लेजेंडरी कस्टम से हमारा है ये सम्प गार्ड और लेग गार्ड, क्रैश गार्ड। सो बाइक हमारी खड़ी है वहाँ, फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा लगता है हमारा न्यू क्रैश गार्ड। और लेट्स सी, वैसे लगाने तो अपन जाने वाले हैं ऋतिक भाई के पास ही, बट अभी एक बार चेक कर लिया जाए क्योंकि अभी हाल ही आया है ये बॉक्स। मैं ऊपर रूम में भी नहीं लेके गया। लेट्स सी, बैंडिडोज लेजेंडरी कस्टम से मंगवाया मैंने इस बार, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी निकल गया, वैसे तो क्या ही फर्क पड़ना है इसके भारी क्रैश गार्ड को। और क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है और पाउडर कोटेड है, सबसे अच्छी बात ये। एंड ये है इसका सम्प गार्ड जो है एल्यूमिनियम का, वेरी नाइस, काफ़ी लाइट वेट है बट ये काफ़ी भारी है। तो फटाफट चलते हैं, अब ये बॉक्स को मैं लेके कैसे जाऊंगा क्योंकि मुझे वो दो पैनियर्ड भी लेके जाना है। सो वो सोचते हैं और फटाफट चलते हैं इसको लेके एंड फिट करवाते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट है हमारी, खड़ी है बाइक यहाँ पे। सो आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस तरफ से भी, क्योंकि यहाँ से जब अभी एक छोटा सा मेरा क्रैश भी हुआ तो ये देखो लीवर थोड़ा बेंड हो गया है एंड यहाँ थोड़े स्क्रैचेस आ गए, और टैंक पे भी एक छोटा सा एक ये डेंट आ गया, मतलब चिप। सो यहाँ पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा एंड नीचे से भी कवर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। सो लेट्स गो, चलते हैं एंड फिट करवाते हैं। सो आज पहली बार फिट होने वाले हैं हमारी हिमालयन 450 में पैनियर्स। तो अभी तो ये ब्लैक है, मुझे आज इसको देना है रैप पे, तो इसे भी लेके चलते हैं और काम निपटा देंगे, फिट कर लेते हैं पैनियर्स। वैसे तो ये पैनियर्स भी बुरे नहीं लग रहे हैं यार, एक्चुअली फुल ब्लैक पैनियर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इस बाइक पे, बट आई थिंक वाइट कराने पे बहुत अच्छा लुक आना चाहिए। सो लेट्स सी, बट मुझे एक्चुअली ब्लैक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे तो मैं इस बॉक्स को कैब या ऑटो में भेजने का सोच रहा था, बट ये ऐसे भी इतना बड़ा लग नहीं रहा है, सो आई थिंक दो बंजी से ये बन जाना चाहिए और जाना भी मुझे पास में ही है। बट ये ब्लैक पैनियर्स एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं, सो आई शुड गिव इट अ थॉट कि क्या करा जाए। और तुझे क्या हो जाता है कोको, क्या है छोटू? तो लेट्स सी, इनको ब्लैक रखते हैं या फिर क्या करते हैं, तो एक बार ऋतिक भाई से सजेशन लेंगे, देन विल प्रोसीड। सो वैसे मैंने इस बॉक्स को बांध तो दिया है, लेकिन ये बहुत भारी है, मतलब ऑलमोस्ट होगा ये 6-7 किलो का, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब इसको लेके कैसे जाएं, बस भारी हो गई ये बाइक, बाकी तो ठीक है। तो चलो चलते, लेट्स गो। सो क्या ही अजीब सी लग रही है अपनी हिमालयन, एकदम डिलीवरी बॉय लग रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और आज का दिन करते हैं स्टार्ट। आज पैनियर्स भी रैप करवाने हैं और दो तीन काम भी है, हैंड गार्ड्स भी लगवाने हैं। चलो लेट्स गो। और ये एक्चुअली होती है कोल्ड स्टार्ट, मतलब आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है शुरुआत में, देन धीरे धीरे नीचे आता है। तो चलते हैं। राम राम दादा, लेट्स गो। ओए होए होए होए, बहुत भारी हो गई है भाई साहब। और हमारी बाइक चल चुकी है 400 किलोमीटर्स, सर्विस ड्यू सून का मैसेज भी आ गया था। बस जो देखेगा ना मेरे को, वो ऐसा लगेगा उसको कि क्या करने जा रहा हूँ मैं, जंग वंग लड़ने। सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है इंदौर में एंड 36 डिग्रीज हो रहा है यार, और इंदौर का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही है। अब इतनी भारी बाइक हो चुकी है ना, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। ओए होए, देखो कहीं से भी कोई भी आता है, मतलब
सो चलते हैं। ट्रैफिक में भी काफ़ी बढ़िया चलती है बाइक तो, मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि थोड़ी भारी फील होती है या फिर कुछ, सो मुझे तो नहीं होती, मतलब आई थिंक मैंने पहले से ही शायद तक भारी बाइक्स चलाई हैं और वो पैनियर्स और सबके साथ में ही चलाई है, तो इसलिए शायद तक हो सकता है। और बाकी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। अंकल बीच में रुक गए। इंदौर के लोग काफ़ी ज़्यादा फनी है, किसी दिन आपको डेली ऑब्जर्वेशन वाले वीडियोस बनाएंगे तो वो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं, तो वो भी जल्दी चालू करेंगे क्योंकि इंदौर के लोग बहुत फनी है और ट्रैफिक उससे भी ज़्यादा फनी। ये देखो भाई को, इनको देखो, और कोई भी कहीं से आता है, हेलमेट तो कोई भी नहीं पहनता है, मतलब देखो पुलिस वाला है भाई, उसने भी नहीं पहना है, बढ़िया मस्त एकदम चश्मे वश्मे लगा के आप बुलेट चला रहे हो, भगा रहे हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना है, ऐसा सीन है इंदौर का। वाह यार, मतलब मुश्किल से 5% लोग इंदौर में हेलमेट पहनते होंगे और रूल्स तो कोई भी नहीं करता फॉलो। देखो कितने लोग रॉन्ग साइड आते रहते हैं, मतलब काफ़ी डेंजरस है और इंदौर में ये चीज़ एकदम एक्सट्रीमली कॉमन है, और किसी को अगर आप कुछ बोल दो गलती से, सो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा अलग है ना। ये देखो भाई को, कहाँ से आया है वो। क्या ही बोल सकते हैं ब्रो। इधर चलते हैं अंदर एंड अपना क्रैश गार्ड लगवाते हैं। हेलो, क्या हालचाल, पहचाना के नहीं आपने? नहीं यार, पहचान नहीं हो रहा, हेलमेट वेलमेट लगा हुआ है ना यार, अभी अभी पहचानोगे बस 2 मिनट में। मयंक, मयंक पांडे। अरे भाई क्या हाल है, क्या हाल है, बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बस यार यही का बना, ठीक करवाने आया था। ठीक करवाने आए थे यार? नहीं, कब ली? बस 4-5 दिन हुए अभी। वाह, सामान लेके आया, लेके आया था मैं पूरा। क्या लाया? ये क्रैश गार्ड, सम गार्ड और बाकी सब कुछ। एग्जॉस्ट भी पड़ा है इसके अंदर। नाइस। ऋतिक भाई ये देखो। फुल ऑटो बना के लेके आए। कितना बड़ा बॉक्स है वो। एक तो क्या इसकी इसकी प्लानिंग कर ही नहीं रहा था मैं, इसको सिर्फ मैंने 2 दिन पहले चलाई है और 2 दिन बाद डिलीवरी ले ली है। खुल चुका है हमारा डब्बा स्टिकर्स बैंडेडोज के। हाँ चलो, अभी फर्स्ट स्टिकर ही लगाएंगे ये। पाउडर कोटेड है, सबसे अच्छी बात पता है। देखो रख लो, आते हैं क्या, स्लाइडर जाए। ये है इसके स्लाइडर्स और मैनुअल, और देखते हैं क्वालिटी कैसी है। बैंडेडोज से यार क्वालिटी नज़र अच्छा ही होगा। हाँ वो तो है, तो स्टार्टिंग से हम लोग लेजेंडरी कस्टम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं बस। बहुत सॉलिड है ना, अलग ही लग रहा है वो। अरे नाइस फिनिश यार, यार ये फिनिश बिल्कुल प्रॉपर वैसा है सुपर मीडियर के अंदर में। हाँ जो सुपर मीडियर में कंपनी फिनिश जो आती है वो वैसा लग रहा है, ये बहुत अच्छी है। वेल्डिंग वेल्डिंग की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो पता लगेगा लग के कैसा है। इसको टेस्ट करने की नौबत ना आए। तो ये नीचे आ गया प्लास्टिक का सम गार्ड है, वो प्लास्टिक का सम गार्ड जो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, अगर इस पर एक भी चोट लगेगी ना तो ये पूरा फट जाएगा। और ये आया है नया एकदम मस्त एलुमिनियम का LC लेजेंडरी कस्टम्स से, और क्या लग रहा है यार। और ये आया 2 पार्ट्स में, तो इसको करते हैं फिट। है हमारा क्रैश गार्ड, और क्रैश गार्ड की एक्चुअली बहुत अच्छी है क्वालिटी, मतलब प्रीवियसली जिससे मैं यूज़ कर रहा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये अच्छी बात यह है कि पाउडर कोटेड है, बहुत अच्छी फिनिश्ड में, सो दैट इज़ गुड। सबसे पहले हम लगाएंगे ये सम गार्ड हमारा, और उसके बाद इस क्रैश गार्ड को फिट करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही
फिट हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लेके आए थे हम, ये है एग्जॉस्ट और ये एग्जॉस्ट है हमारी एक नई रैली के लिए, मतलब रैली एडिशन जो अपनी हिमालयन बन रही है उसके लिए। और ये देखो क्या लुक्स आ रहे हैं यार, पूरी नेकेड और खाली हो चुकी है। तो इसमें लग जाएगा ये वाला पावर रेंज का एग्जॉस्ट और हम तो थोड़े टाइम स्टॉक में ही चलाने वाले हैं। और ये तीनों बाइक्स क्या लग रही है यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। ये लो ऋतिक भाई, हैप्पी बर्थडे। लगाओ लगाओ इसको। इससे पहले ये तीन नट निकलेंगे और यहाँ पे ये वाला। सो बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हमने सम गार्ड भी लिया है, तो सम गार्ड भी साथ में ही लगेगा। और सबसे अच्छी बात, साथ में ही उसके एक प्लेट लगने वाली है और उसके अंदर स्क्रू से वो टाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली रॉड कनेक्ट करेंगे यहाँ से, कुछ इस तरीके से रॉड कनेक्ट होगी और एक रॉड आएगी नीचे, सो दैट इज़ गुड। और सारे नट बोल्ट भी उसके बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। एक्चुअली इससे प्यारे स्लाइडर्स आपने नहीं देखे होंगे, कितना सुंदर फिनिश है ये देखो, एकदम ऐसा लग रहा है पाउडर कोटेड और फील ही बहुत अच्छा आ रहा है उसका। सो दैट इज़ वेरी गुड। और क्या लुक आने वाला है यार इसके बाद। और अच्छी बात ये है कि ये जो है ये वाला पूरा पोर्शन, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, तो ये हो जाता है अंदर, तो ये है इस पोर्शन से बाहर। सो दैट इज़ गुड, जो भी इम्पैक्ट है वो हमारा लेग गार्ड ही झेलेगा। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है लुक। एंड अब नीचे की पूरी प्लेट्स लग रही है और सबसे पहले ये वाली जो अपनी पत्ती है उधर की वो चेंज हुई है और वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब जो पहले रॉयल एनफील्ड की स्टॉक थी वो इतनी हैवी नहीं थी, ये वाली जो है। और इसके बाद ये पूरा यहाँ से कनेक्ट होगा सम गार्ड के साथ में, तो क्या ही लुक आने वाला है और कितना मस्त दिखने वाला है वो। सो ऐसी कुछ लगेगी यहाँ पे प्लेट और यहाँ पे जो स्क्रूज है इससे कनेक्ट हो जाएगा सम गार्ड, सो दैट इज़ वेरी गुड। और इसकी अगर क्वालिटी देखो, ये है रॉयल एनफील्ड का, तो एकदम पतला सा है और ये है एकदम मोटा सा और थोड़ा बड़ा जो क्लैम्प है, तो दैट इज़ गुड। अब ये पूरा ऐसे कुछ करके फिट होगा और लेग गार्ड के साथ में ही फिट हो जाएगा। ये ऐसे कुछ फिट हो रहा है हमारा सम गार्ड और इसमें से देख देख के हम लोग करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मैंने एक वीडियो भी देख लिया था, तो ये नीचे से ऐसा कुछ मिलेगा। नीचे हैं सारे एलन की बोल्ट्स, हमारा पावर रेंज भी फिट हो गया है वहाँ पे। तो ये जो नीचे वाला थोड़ा सा सेक्शन है ये थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो ठीक है। नीचे से पूरी प्लेट हुई कनेक्ट, तो अब एक्चुअली पूरा कंप्लीट लुक आ रहा है बाइक का और अच्छी प्रोटेक्टेड हो गई है, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड ये भी अच्छी लग रही है नीचे सम गार्ड, बस अब बस कम्प्लीट होने ही वाला है ऑलमोस्ट, फिर चलेंगे हमारे पैनियर्स का रैप करवाने। सो लेट्स सी वो भी क्या करेंगे। और ये क्या क्वालिटी है यार इनकी, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है, बस थोड़े से पाउडर कोटेड है ये। और में ऐसी भयानक वाली गर्मी आ चुकी है ना, पता नहीं कैसे आई है एकदम से। तो इधर भी हो चुकी है कंप्लीट और ये अच्छी बात है कि ये इंजन का पूरा क्रैंक केस भी प्रोटेक्ट करेगा और मेरे पैर को भी प्रोटेक्ट करेगा और लिवर बेंड होने से बचाएगा भी, आई थिंक सो, क्योंकि ये लिवर पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। एंड वैसे मैंने अभी ध्यान दिया कि इस क्रैश गार्ड का नाम है हिमालयन बजूका क्रैश गार्ड विथ स्लाइडर्स, क्या नाम है बजूका। और ये सब चीज़ें रखी हुई है इसकी और ये है पुराना सम गार्ड जो किसी काम का नहीं है। एंड ये प्लेट तो फिर भी ठीक थी, दिस इज़ गुड, ये हमारी पुरानी हिमालयन में लग सकता है। ऊपर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, सो ये अच्छी बात है कि ये फ्रेम जो है ये हमारे ऊपर वाली फ्रेम से थोड़ी सी बाहर है और उसमें स्लाइडर्स लग जाएंगे तो वो थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा, सो दैट इज़ गुड। बस एक हैंडल बार का हमें कुछ मॉडिफिकेशन समझना पड़ेगा, या तो राइजर लगाऊंगा या तो हैंडल बार चेंज करेंगे। तो ये फाइनली फिट हो चुके हैं पूरे हमारे क्रैश गार्ड्स और क्या ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार। और बाइक से देखो थोड़े इतने बाहर आ रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड और क्या बात है। एंड ऐसा कुछ लग रहा है सम गार्ड नीचे से पूरा कनेक्टेड, ऑल फिट एंड फिनिश्ड, और क्या फिट एंड फिनिश है इसकी, ये देखो एकदम प्यारे से लग रहा है।
बस इसको टेस्ट नहीं करना है अब अपने को, बाकी प्रोटेक्शन तो अच्छा दे ही देंगे। सो लेट्स गो, अब चलते हैं पैनियर्स को रैप कराने, और इसी कलर का रैप मिल जाए बस तो अच्छा रहेगा, या फिर देखते हैं कुछ और कराएंगे। अच्छा लेट्स सी, चलो उतारते हैं बाइक को। क्या मस्त लग रहे हैं यार क्रैश गार्ड एक्चुअली, अब पूरी कंप्लीट लग रही है बाइक। चल रहा है तू? चलो बैठ जाएगा ना, बैठूंगा कैसे सब। क्या नेक्स्ट यार, मैं अभी अब जल्दी से ही प्लान करेंगे। मैं सोच, ये देखो हिमालयन कितनी तगड़ी लग रही है, पूरी रैली एडिशन बनाई है, और सबसे अच्छी बात ये इतनी हल्की हो गई है ना, इसको अपना लगा है। अब इसका काम होगा स्टार्ट पैनियर्स का, और ये पैनियर्स पे देखो क्या हालत हो चुकी है, ये हमारा जो क्रैश हुआ था उससे, एंड बहुत सारे स्क्रैचेस हैं ही। सो पूरा अब सही हो जाएगा, दो तीन कलर्स में करवाएंगे इसको। ये आ चुका है हमारे रैप, और बहुत ही मुश्किल से मिला ये ऑफ वाइट कलर। सो ये थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है, और बाकी हमारा जो गार्ड है लेग गार्ड, वो क्या ही लग रहा है, ब्यूटीफुल। अब लग रही है बाइक एकदम कम्प्लीट आगे से, बल्कि अब पीछे सिर्फ पैनियर्स लग जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगी। और इसको भी मैं कार्बन फाइबर करा लूँगा, जो इतना सा पीस है तो वो भी अच्छा लगना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये हो चुका है अपने रैप का काम स्टार्ट, और ये है मैट वाइट एक्चुअली, सो सही लगेगा, एंड कुछ कुछ पार्ट्स इसके कर देंगे कार्बन फाइबर, सो और ज़्यादा सही लगेगा अपनी न्यू बीस्ट पे। सो बस पहला पैनियर हुआ है स्टार्ट अभी, तो ये चल रहा है हमारा रैपिंग का काम, और पहला पैनियर आधा आधा हो चुका है, मतलब जितने वाइट पार्ट्स लगाने थे उतने तो हो चुके हैं, एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस ये वाले जो पार्ट्स रहेंगे इनको मैं कार्बन फाइबर फिनिश में कर देंगे, सो इट विल लुक गुड। और अभी वाइट के साथ वाइट मैच करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अभी ये वाले पैनियर की कर दिए सफाई, बस ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं जो विनाइल लगा था हमारा, मतलब जो रेडियम लगा था उससे, बाकी तो सब ठीक है। तो बंदो हो चुकी है शाम, और अभी तक एक ही पैनियर हुआ है, एक ही पैनियर के सिर्फ वाइट वाइट हुए हैं, कार्बन फाइबर भी नहीं लगा है, तो ऑलमोस्ट एक घंटा और लगना चाहिए, बट जो लुक्स आएंगे ना उसके निकल के वो तो मज़ेदार ही होंगे, जब उसके ग्राफिक पूरे हो जाएंगे तब तो बहुत अच्छे होंगे, और अपनी बाइक के साथ बहुत अच्छा मैच करेगा। तो अब बस ये कम्प्लीट हो गया है एक पैनियर, दूसरे पैनियर पर अब काम स्टार्ट होगा। तो बच चुकी है 8, और अब ऋतिक भाई भी काम पे आ चुके हैं शोरूम बंद होते से ही, एंड ऐसा कुछ लग रहा है हमारे पैनियर का लुक। वैसे तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, यहाँ पे कार्बन स्ट्रिप्स लगेंगी और फिर फाइनल होगा, और कार्बन स्ट्रिप्स होंगी कुछ ऐसी, वैसे ऐसी भी हो सकती है एंड ये मैट वाली भी हो सकती है, ये मैट वाली अच्छी लग रही है, और ये है नहीं, ये ऐसी लगेंगी यहाँ पर, और फिर परफेक्ट हो जाएगा। सो आज वैसे हुआ है सिर्फ आधा काम, और इसके ग्राफिक्स नहीं हुए, एंड और भी कार्बन फाइबर वाली जो चीज़ें थी वो नहीं हुई है, बट काफ़ी नीट लग रही हैं चीज़ें, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइट कलर के हमारे पैनियर के बॉक्सेस हो चुके हैं, मतलब आप चेकआउट कर सकते हो। बस अब कल जो है वो थोड़ा सा इस पर फिनिशिंग टचेस हो जाएंगे, सो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा फाइनल लुक इसी वीडियो में, कि कैसे क्या आ रहे हैं पैनियर्स के। वैसे तो वाइट कलर की बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा जम ही रहे, बस ये वाली थोड़ी सी चीज़ें बाकी है। हमारे भाई की जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, छोटू आर्टिस्ट की, सो अब निकलते हैं घर की तरफ, बाकी का आपको जो फाइनल लुक है वो दिखाएंगे यहीं पे इसी जगह पे कल की वीडियो में, मतलब कल के दिन इसी वीडियो में। लेट्स गो, चलो बाबा। पैनियर्स के साथ तो अलग ही लुक आ रहा है यार, मतलब अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही हुआ है, बट फिर भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड काफ़ी मैसिव लग रही है बाइक। क्या बात है, वॉच द रिव्यू फ्रॉम द ग्रेट ट्रैवलर। अरे यही तो फन है, ये पुरानी बाइक पे नहीं था बस। बहुत और बढ़िया मैच कर रहे हैं पैनियर्स भी, तो ये अच्छी बात है, और ये पैनियर्स मस्त लग रहे हैं, मतलब अब अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। ये देखो बाइक के साथ आ चुके हैं पूरे। सो अभी जो दुर्गेश भैया मिले थे उनके एक्चुअली
बहुत ही ज़्यादा सालों से इतने बड़े से ड्रेड्स थे, मतलब कमर कमर तक के ड्रेड्स थे, और मैंने जस्ट अभी देखा तो मैं पहचान भी नहीं पाया भैया को कि आपके इतने बड़े ड्रेड्स थे और सीधे की सीधे नॉर्मल कट, तो बिल्कुल कोई भी नहीं पहचान पाएगा। एंड भैया इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ट्रैवलर, सो थंडरबर्ड पे उन्होंने उस ज़माने में घूमा है जब हम लोग तो बहुत ज़्यादा छोटे थे। सो अभी उन्होंने टेस्ट राइड लेके देखी है एंड ही वॉज़ रियली सरप्राइज्ड कि रॉयल इनफील्ड ने क्या बाइक बना दी है यार, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड अबाउट इट। लेकिन बाइक तो बना दी है बहुत ही तगड़ी वाली, अब बस लंबी राइड का इंतज़ार है, तो पहुँचते हैं घर। एंड आज की वीडियो वैसे एंड नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल जो होगा मैं दिखाऊँगा अपने पैनियर्स के पूरे लुक, देन आपको पता लगेगा कि कैसे दिख रहे हैं हमारे पैनियर्स। तो ऋतिक भाई हमको रास्ते भी मिल गए, और ये देखो GT क्या लग रही है, ब्यूटीफुल। तो इस पर भी कुछ कुछ ग्राफिक्स होने जा रहे हैं, और मैं तो जा ही रहा था बस ये नेक्स्ट डे है अपने पैनियर्स को पूरा कंप्लीट करवाने, उतने में ऋतिक भाई रास्ते में ही मिल गए। तो ये रही अपनी शॉप, उधर लगाऊं क्या? हेलो ऋतिक भाई, बस एकदम बढ़िया बंदो। ये है डे टू एंड ये है हमारे पैनियर्स का फाइनल लुक। आज भी एक्चुअली 8 बज गई, सो ये पूरा ऐसा कुछ बनाया हमने कार्बन फाइबर से, एंड ऊपर लिखा हुआ है हिमालयन, एंड इस तरफ देखो ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड दिखा उधर ये एडवेंचर का टैटू। तो ये क्या लग रहा है ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।